एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। मौसम को लेकर अभी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में अब फिर रेड अलर्ट जारी। अगले 48 घंटे पूर्वांचल में अब फिर बारिश के आसार, रहे सावधान। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट है और किन किन इलाकों में अब फिर झमाझम बारिश के आसार मौसम विभाग जता रहा है। चलिए जानते खबर को विस्तार से, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में कहर बरपा रही हैं। गर्म हवाओं के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। वहीं बीते कुछ समय पहले एक दर्जन से अधिक जिलों में हीट वेव जारी की गई। वहीं रात के तापमान में भी वृद्धि होने से लोगों का सुकून छिन गया है। सड़कों पर दिन में सन्नाटा देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पशु पक्षियों का है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल कई इलाके ऐसे हैं जिनमें भीषण गर्मी पड़ने तथा लू चलने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए जानते कि सबसे ज्यादा गर्मी को लेकर किन किन इलाकों में मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे बागपत, गाजियाबाद, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद एवं आसपास के इलाकों में ऊष्णलहर यानी लू चलने की संभावना जताई है। अगर बात करें ऑरेंज अलर्ट की तो जैसे हापुड़, बुलंदशहर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विज्ञान विभाग ने यहाँ भी लू चलने को लेकर संभावना जताई है। अगर येलो अलर्ट की अगर बात करें तो फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की कई मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला अभी 3-4 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। हीट वेव कंडीशन ज्यादातर इलाकों में बनी रहेगी। वहीं अगले 48 घंटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जिनमें तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश होगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं लखनऊ का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो यहाँ अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुरसतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, उरई और हमीरपुर में न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान यहाँ 40 से 41 या फिर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। बरेली, शाजापुर, नजीमाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर समेत इटावा में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान यहाँ 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बात करें आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में बादल, बारिश व आंधी तूफान को लेकर स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अगले 24 घंटे तक लगातार कई इलाकों में अब फिर मौसम खराब रहने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।